जनरल न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम बामसेव के कैडर कैंप में आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर बाबूलाल कबीरपंथी है और मैं बामसेव का डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ बामसेव कैडर फरीदाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उसके अंदर बामसेव के विषय में बताया जा रहा है कि बामसेव क्या है। सर जो ये बामसेव संगठन है ये क्या है? बामसेव बहुत अनोखा संगठन है। ये बैकवर्ड एम्प्लाइज फेडरेशन है। जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके जो एम्प्लाइज है उनके द्वारा एक फेडरेशन चलाया हुआ है। तो बैकवर्ड में ओबीसी एससी एसटी एंड माइनॉरिटी के लोग जो आते हैं उनके द्वारा उनके क्या अधिकार हैं, वो किस हिसाब से यहाँ इस भारत देश के अंदर रह रहे हैं, उनको विशेष क्या अधिकार मिलने चाहिए, अभी वंचित हैं 4000 साल से। तो बामसेव कर्मचारियों का संगठन है लेकिन कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं करता। ये गैर धार्मिक है, ना किसी धर्म की बात करता, ना ये राजनीति भी करता, किसी राजनीति की बात नहीं करता। तो सर ये बामसेव किस विचारधारा को लेकर चलता है? बामसेव बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले के विचारधारा पर आधारित है और समानता न्याय प्रभुता इस आधार को लेकर के हम विचारधारा पे चलते हैं। सर बामसेव समाज में क्या बदलाव लाना चाहता है? बामसेव ये कहता है कि जाति तोड़ो और नाता जोड़ो, सर समाज को इकट्ठा करो और सारे समाज को इकट्ठा करके समानता का भाव इस देश में कायम होना चाहिए। कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, जाति विहीन समाज की स्थापना करना और समानता की विचारधारा स्थापना करना जो बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले साहूजी महाराज की विचारधारा थी वही विचारधारा इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। सर जो बामसेफ है ये समाज में कैडरों के माध्यम से क्या सिखाता है? कैडर के माध्यम से जैसे अभी एनसीईआरटी के अंदर भी पुस्तक में ये दिया हुआ है, अभी एनसीईआरटी ये पाठ्य पुस्तक है एक, तो इसके अंदर भी दिया है कि बामसेफ क्या काम कर रही है, क्या विचारधारा फैला रही है। जैसे मैंने पूर्व में बताया आपको कि बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों के लिए नहीं है लेकिन लोगों के अंदर जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये भेदभाव ऊंच नीच का फर्क खत्म करके विचार परिवर्तन करने का काम बामसेफ करती है। और साथियों से पूछेंगे आपको बामसेफ कैडर में क्या सीखने को मिला? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजभूषण करता है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला, मुझे पता चला कि हम कौन है, हम भारत के सच्चे मूल निवासी हैं, ये मुझे यहाँ पे आकर पता चला है। कितने साल से बामसेफ के कैडर में आ रहे हो? सर मैं 7 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, बामसेव को आज मैंने अच्छी तरह जाना है और मुझे आशा करता हूँ कि मैं ये सीख करके लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कौन है, यहाँ के मूल निवासी हैं और ये भारत देश हमारा है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम डॉक्टर वीडी गौतम है। सर्वप्रथम मैं सभी को जय भीम करता हूँ और मैं बामसेव में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और इस बामसेव का जो मेन उद्देश्य है वो व्यवस्था परिवर्तन है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसको लागू करना है और जो संविधान में संविधानिक नियम है वो रूट लेवल पर जो गरीब आदमी है उस तक संविधान की विचारधारा पहुंचे, इसके लिए बामसेव काम कर रहा है। सर जो आपकी बामसेव में भूमिका है वो क्या काम करते हैं जो आप बताना चाहते हो? हम लोग सर जो शिक्षित लोग हैं उनको कैडर के माध्यम से इकट्ठा करके जो महापुरुषों की विचारधारा है वो सिखाते हैं, जिससे कि लोग यूनाइट हो, अपने बच्चों को शिक्षित करें, संगठित करें और संघर्ष करें और राजनीति की तरफ लोग जो है इकट्ठे हो। सर नाम राजकुमार है और मैं बामसेव के कार्य से जुड़ा हूँ और जैसे कि अभी बाबूलाल जी ने आपको बताया बामसेव की भूमिका क्या है, बामसेव की एक गैर राजनीतिक गैर धर्म से जुड़ा संगठन है जो कि समानता के लिए और लोगों में शिक्षा की भावना पैदा करने के लिए अपना काम करता है। बामसेफ में आप कितने साल से आ रहे हो? मैं बामसेफ में
वैसे तो मैं जो मुख्य रूप से तो अभी एक साल से ही जुड़ा हूँ, लेकिन पहले मैं जो ना भामसेफ में छोटे मोटे प्रोग्राम्स में आता जाता था, कैडर्स भी इनके मैं ज्वाइन करता था, वहाँ पे भी कुछ सीखने को मिला, कुछ जानकारी इकट्ठे करते थे वहाँ पे। आपको जैसे आप बता रहे थे कि भी मैं आता हूँ भामसेफ कैडर में, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली भाई मैं मूवमेंट में काम करूँगा? प्रेरणा तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ने लिखने से और सब चीज़ों को जो ना जानकारी लेने से मुझसे ही प्रेरणा मिली है, और जो हम समाज में देखते हैं समाज में जो लोगों के साथ असमानता का व्यवहार जो होता है, तब हम इन चीज़ों को जो ना सोचते हैं कि क्यों असमानता हो रहा है, तो फिर यही चीज़ें हम लोगों को इन चीज़ों की तरफ लाती हैं, और हम थोड़ा फिर सोचते हैं कि हम क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम थोड़ा खुद जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं और खुद लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण गौतम है जी। और आप भामसेफ में किस पद पे काम करते हो? मैं भामसेफ जिला इकाई में महासचिव पद के पद पर हूँ, जिला फरीदाबाद यूनिट का महासचिव। कितने सालों से आप भामसेफ से जुड़े? और आप भामसेफ से जुड़े हुए मुझे करीब 8 साल हो गए, और मैं बड़ा दिल से भामसेफ का शुक्रगुजार हूँ कि भामसेफ ने मुझे आदमी बना दिया, नहीं तो मेरी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे जो है स्कूलों में सिर्फ यही सीखने को मिला कि आपको जो है नौकरी करनी और पैसा कमाना है, लोकतंत्र क्या होता है और लोगों के क्या अधिकार होते हैं, वो सारी चीजें भामसेफ ज्वाइन करने के बाद, भामसेफ में आने के बाद बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए सारे कंफ्यूजन, धर्म को लेकर, जाति व्यवस्था को लेकर, समाज में जो घटनाएं होती हैं उन सब को लेकर मैं बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा दिमाग में, और भामसेफ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे जो है एक इंसान बना दिया जो दूसरे इंसानों का दर्द समझ सकता है। मेरा नाम प्रमाण सिंह है, मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूं हरियाणा प्रदेश का, और भामसेफ में पिछले 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूं। जैसा भी हमारे गौतम जी ने बताया कि भामसेफ में आने के बाद मुझे भामसेफ ने इंसान बना दिया, अच्छे बुरे की पहचान, दोस्त दुश्मन की पहचान, और काम में क्या करना है उस सब की जानकारी भामसेफ से प्राप्त हुई है। आप जब भामसेफ में काम कर रहे हो कितने साल से कर रहे हो? मेरे को 18 साल हो गए। आप समाज में किस प्रकार लोगों में जाते हो, क्या क्या बताते हो? समाज में हम लोग भामसेफ के बारे में बताते हैं कि भामसेफ एक गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और गैर एजुकेशनल संगठन है, जो मुख्यतः कर्मचारी का संगठन होने के नाते कर्मचारी के भले की कोई बात नहीं करता। जैसा भी मान्यवर जी ने बताया था कि एनसीईआरटी की 10th की बुक में एक सब्जेक्ट है भामसेफ के नाम से, और उसमें क्लियर बताया गया है कि एक अनोखा संगठन है, और पढ़ाया जा रहा है कि एक ऐसा अनोखा संगठन है कि कर्मचारी के संगठन होते हुए भी कर्मचारी की इतनी कोई बात नहीं करता। पे बैक टू सोसाइटी, ये उस समाज की बात करता है जो इस मूवमेंट से पिछड़ गए हैं, उनको बराबरी बनाने के लिए बात करता है, उनके अधिकार दिलाने के लिए बात करता है, भामसेफ का जो मूल कार्य है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों।